गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम इम्तियाज आलम, योर मैथमेटिक्स टीचर। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। क्लास नाइन्थ में हम लोग सबसे पहले पॉलिनोमियल चैप्टर्स की बात करते हैं। आइए जानते हैं पॉलिनोमियल क्या है। व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से बना, पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स मेनी, नोमियल मतलब टर्म्स। मेनी टर्म्स को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए जीरो एक्स का पावर जीरो प्लस ए वन एक्स का पावर वन प्लस ए टू एक्स का पावर टू एंड सो ऑन ए एन एक्स का पावर एन, वेयर ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन आर रियल नंबर एंड एन n is a non-negative integer, that means n is a positive integer. Integer हम लोग किसको बोलते हैं? जो माइनस से स्टार्ट होता है, जैसे माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन। तो हम लोगों ने क्या बोला? n is a non-negative integers, मतलब हम इसका बात नहीं करेंगे, हमें पॉजिटिव चाहिए। अब पॉजिटिव का मतलब मोर देन जीरो, यानी जीरो का भी बात नहीं करेंगे, मोर देन जीरो, यानी n क्या होगा? वन टू थ्री डॉट डॉट डॉट। अब कोई भी पॉलिनोमियल है या नहीं वो किसे कैसे जानेंगे? एन से। एन क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर। एग्जाम्पल, सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। अब यहां एन क्या है? एक्स का पावर वन एक्स का पावर टू। एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी वन और टू पॉजिटिव है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। थ्री माइनस फोर सेवन और रियल नंबर, और ये रियल नंबर से ये डिसाइड नहीं होता कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉलिनोमियल होने के लिए एन को देखना कंपलसरी है। अब जो पॉलिनोमियल होते हैं उसमें देखना पड़ता है डिग्री। सर, डिग्री क्या होता है? जो पॉलिनोमियल में उसमें देखेंगे एन का हाइएस्ट वैल्यू, जैसे एक्स का पावर वन एक्स का पावर टू, हाइएस्ट क्या है? टू। तो डिग्री क्या होगा? टू। सर, थ्री माइनस फोर और सेवन क्या है? तो हम लोग बोलेंगे सेवन इज द कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कॉफिशियंट क्या बता रहा है? उसके सामने, एक्स स्क्वायर के सामने क्या है? सेवन। तो सेवन इज द कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस फोर इज द कॉफिशियंट ऑफ एक्स। सर, थ्री में कुछ नहीं है तो क्या बोलेंगे? थ्री इज अ कॉन्स्टेंट टर्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं हम लोग। फाइव प्लस एट एक्स का पावर टू बाई थ्री प्लस फोर एक्स स्क्वायर। अब यहां पे क्या देख रहे हैं? डिग्री टू, और ये टू दिख रहा है सर। तो सर यहां पे देख रहे हैं एक्स का पावर टू बाई थ्री। अब यहां पे एक्स का पावर टू बाई थ्री, हमने बोला एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये तो रेशनल है सर, यानी नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और जब पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री भी नहीं बोलेंगे। अब मान लेते हैं हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, वन बाय ए एक्स प्लस बी, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हम लोग क्या देखें, पॉलिनोमियल कौन सा फॉर्म है? ए जीरो एक्स का पावर जीरो, ए वन एक्स का पावर वन एंड सो ऑन। यहाँ पे कहीं पे भी वन अपॉन करके डिनोमिनेटर का बात नहीं किया है, तो नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसमें डिग्री का बात नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या बात करेंगे कि जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो हम लोग का आगे का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अब डिग्री का जब बात करते हैं तो उसमें कुछ पॉलिनोमियल्स के टाइप होते हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये लीनियर क्या है सर? वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री वन होगा। अब डिग्री वन का मतलब हाईएस्ट वैल्यू भी वन ही होगा इनका। जैसे क्या, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे ए एक्स का पावर वन प्लस बी। एक्स का हाइएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है यहाँ पे? वन। तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अब a इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जब लीनियर है तो x का पावर वन होना चाहिए। तो यहां पे क्या होगा? a प्रेजेंट होगा, b जीरो हो जाए कोई बात नहीं, पर a प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल 4x प्लस 5। अब सर, अगर x लिखा रहेगा तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यस yes, इसके सामने तो वन है ना। अब b का वैल्यू क्या हो गया? जीरो। तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। सेकेंड बात करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। जैसे लीनियर में हम लोग बोले डिग्री वन, तो क्वाड्रेटिक में बोलेंगे डिग्री टू। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
अब डिग्री टू बोल रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर का होना प्रेजेंट, मतलब होना जरूरी है, तो इसका मतलब ए जीरो नहीं हो सकता है, यहाँ पे बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, बट ए हमेशा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, 4x² - 9x+5, यहाँ पे हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं 3x² + 7, यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने 3 है, कॉन्स्टेंट टर्म सी 7 है, बी यहाँ पे क्या हो गया 0। इस टाइप से जो पॉलिनोमियल होंगे उनको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, जैसे हम लोग पहले पढ़े लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, अब ऐसे पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ए एक्स क्यूब, डिग्री 3 है तो क्यूबिक होना चाहिए ना, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलर x का पावर 3 होना चाहिए तो a 0 नहीं हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, d हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 7x³ + 5x² - 8x+9, सर क्या अगर यहाँ लिखा रहेगा 3x³, अब कुछ नहीं लिखा हुआ बस, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, यस डिग्री 3। अगर इसके साथ 5x² जुड़ गया तो सर, तो भी यस इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। व्हाई, बिकॉज डिग्री इज 3, ये डिग्री 2 से हमें कोई रिलेशन नहीं है। अगर यहाँ x जुड़ जाएगा तो भी कोई बात नहीं, हाईएस्ट जो पावर होगा उसे हम लोग डिग्री बोलते हैं, डिग्री 3 दैट मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। एज इट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 4, एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब डिग्री के टाइप में हम लोग क्या देखें, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखेंगे क्या कि पॉलिनोमियल उसके टर्म्स के हिसाब से क्या होता है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला आएगा मोनोमियल। अब मोनोमियल क्या है सर, वैसे पॉलिनोमियल जो सिर्फ सिंगल टर्म होगा, जैसे -15, 6x, 8, या अगर हम लोग यहां सिर्फ x भी लिख देंगे तो x एक्सेट्रा। सर यहाँ एक क्वेश्चन फिर बनता है, 6x ये तो सर दो टर्म है, आपने बोला सिंगल टर्म मोनोमियल। जिस तरह से 2, 3 + 6, 2 और 3 बोलने के लिए दो टर्म, मगर उसका जो सॉल्यूशन है वो 6, दैट मीन्स अ सिंगल टर्म, मल्टीपल में हमेशा वो सिंगल होगा, तो ये क्या कहलाएगा मोनोमियल्स। आते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब बाई यानी दो, नोमियल पॉलिनोमियल का बात कर रहा है, बाइनोमियल दो टर्म का, यानी 4x + 9, ये दो टर्म है, 4x फर्स्ट, 9 दैट मीन्स सेकेंड टर्म, तो 4x + 9 बाइनोमियल। 3x² - x क्या होगा, बाइनोमियल। फिर एक क्वेश्चन होगा कि सर प्लस होने के बाद भी तो सिंगल हो सकता है या सब्ट्रैक्ट होने के बाद, तो प्लस और सब्ट्रैक्ट क्या करता है, कोई दो टर्म को ज्वाइंट कर रहा है, यानी वो बता रहा है दो टर्म को ज्वाइंट करना है, तो इसलिए क्या कहलाएगा बाइनोमियल। अब सिमिलर आएंगे ट्राइनोमियल, यानी ट्राइनोमियल कैसा, तीन टर्म्स को बोलते हैं ट्राइनोमियल, x का पावर 2 + 2x - 3, हम लोगों ने बताया था ना 2x सिंगल टर्म है, तो ये एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, जब ये तीन आया तो क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल। सिमिलर 2x³ + 5x² - 4, इसको क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल। जब टर्म का बात करेंगे तो डिग्री नहीं देखेंगे, टर्म्स को क्या करेंगे काउंट करेंगे। तो आज आप लोगों को क्या करना है, अपने अपने कॉपी में पॉलिनोमियल को लिखना है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, फिर हम लोग उसके डिग्री के बारे में जानेंगे, कोफिशिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे और लिखेंगे उसको, फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे उसके डिग्री के हिसाब से, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, फिर कॉपी में टर्म्स को नोट करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और उसके मैथ्स को सॉल्व करेंगे। तो आज आप लोगों को क्या करना है, सारे अपने अपने कॉपी में अच्छे से इसको नोट करना है, और नेक्स्ट हम लोग जब सेकंड पार्ट में आएंगे तो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ उसके बारे में और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके?